नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और प्रत्याशी जनता के बीच चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में पटना के वार्ड नंबर 40 एवं 41 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी शिल्पा देवी एवं अशफर अहमद जनता के बीच वोट मांगने पहुंची। पत्रकारों से बात करते हुए शिल्पा देवी एवं अशफर अहमद ने कहा कि जनता के बीच में वोट मांगने आई हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मेरा साथ देगी और इस बार भारी मतों से जीत दर्ज करवाऊंगी। और पीछे चलो, और पीछे चलो, यार उधर घसक नहीं है। और आप लोग और पीछे, आप भी यहां पे नहीं है, थोड़ा आगे ना, इस तरह का नहीं, और पीछे लीजिए, और पीछे आइए। बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग मेरा बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं और आगे भी करेंगे हमको लगता है, और करेंगे ही। क्या लगता है इस बार जीत के आएंगे तो लोगों के लिए सबसे पहला काम क्या रहेगा? 3 साल से कर रहे हैं, जीत के आने के बाद क्या, आगे भी करेंगे ही, क्योंकि पहले से ही हम लोग बहुत काम कर चुके हैं। पहला काम क्या होगा? जैसे अभी घूम रही है तो लोगों की समस्याएं भी सुनी होगी, क्या क्या समस्याएं हैं, उस पर क्या अमल होगा? पहले तो नाला वाला का काम होगा, क्योंकि इधर बहुत स्थिति खराब है, नाला भी जाने उन्हें पानी का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था तो हम लोग कर चुके हैं, और भी जगह पे करना है तो आगे हम लोग करेंगे। पहले भी समाज सेवा करते आ रही हैं आप लोग? जी, 3 साल से हम लोग कर रहे हैं। इस बार लोगों का मूड है आपकी तरफ? जी, बहुत बहुत सपोर्ट है। ठीक, कोरोना काल में बहुत मदद की है दीदी। ये 1977 से हमारे पिताजी पहली बार यहाँ पे बने काउंसलर, फिर वो कंटिन्यू किए, 2002 में हमारी माँ बनी और आज मेरी बारी है। इसके बाद भी मैं बना 2017 में, तो मैंने जो काम किया या 1977 से जो काम होता चला है, तो मैंने जो 2017 में काम किया तो लोगों के दिल में आज तक मैं बैठ गया, लोगों ने माना मुझे, बहुत प्यार किया। अभी भी लगता है कहीं काम में कोई कमी है कि जो जीतने के बाद सबसे पहले वो काम कराएंगे? अभी है बहुत चीज, अभी कुछ कुछ काम बचा हुआ है, जैसे में तो कंप्लीट कराना है, जैसे कि वेंडिंग जोन बना देंगे, जितने भी बेरोजगार हमारे यहाँ है सबको वहाँ पे रोजगार दिला देंगे। आपके इलाका में सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की? एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसको मैंने कोशिश करके कुछ कम कराया है, और यहाँ पे जल जमाव का, ये रोड नहीं थी, ये रास्ता था, इसको मैंने रोड में तब्दील कराया और जल जमाव की समस्या जो मेन इस रोड पे थी उसको ख़त्म कर दिया। अब थोड़ी थोड़ी गलियों में है जो इस बार मैं कंप्लीट करूँगा। सरकारी स्कूल का पोजीशन क्या? इस बार का ये मेरा मुद्दा रहेगा, सरकारी स्कूल क्या कुछ करेंगे उसके लिए? उसको बढ़िया से रिनोवेट कराएंगे, जगह और हल्की बनाएंगे, उसमें बहुत एरिया है मगर तरीके से बना हुआ नहीं है, जिसकी वजह से वो कॉम्पैक्ट लगता है, तो तरीके से ठीक करा कर ताकि एरिया खुल जाए और